दोस्तों, आज की ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं हुंडई की क्रेटा के दो इनिशियल मॉडल्स का, जो हैं ई और ई एक्स। दोस्तों, अगर आप भी मन बना रहे हैं हुंडई क्रेटा खरीदने का और कंफ्यूज्ड हैं कि इन दोनों मॉडल्स में से कौन सी आपको खरीदनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। सारी बातें बताऊंगा, क्या डिफरेंसेस हैं इंटीरियर में, क्या चेंजेस हैं एक्सटीरियर में, क्या अलग होगा गाड़ी में, प्राइस वाइज क्या डिफरेंस होगा और कौन सी मॉडल होगी आपके लिए वर्थ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इससे जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, गाड़ी कितनी डैशिंग दिखती है। लुक वाइज क्रेटा का कोई जवाब नहीं है मार्केट में। दोस्तों, अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो दोनों ही वेरिएंट में कोई भी बेसिक डिफरेंसेस फ्रंट प्रोफाइल में नज़र नहीं आते हैं। कंपनी आपको बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर करती है, जो कि आपको ई एक्स वेरिएंट में भी मिलता है। दोस्तों, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के ऊपर आपको मिल जाता है एलईडी लाइट्स। यहाँ बताता चलूँ कि आपको ये एलईडी लाइट्स जो हैं वो देखने में तो बिल्कुल डीआरएल्स की तरह लगती हैं, मगर ये डीआरएल्स नहीं होती हैं। ये ऑपरेट होती हैं आपके स्टेयरिंग के नीचे नॉब कंट्रोल। क्रेटा की जो अपर वेरिएंट्स हैं उसमें जो डीआरएल्स आते हैं वो आपके गाड़ी के इग्निशन के साथ ऑपरेट होते हैं, जो आपके चाबी ऑन करते ही आपके डीआरएल्स ऑन हो जाते हैं। दोस्तों, मगर ये एलईडी लाइट्स ऑन होने के बाद बिल्कुल आपको डीआरएल्स की तरह ही लगती हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता है। दोस्तों, अगर बात की जाए गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो आपको गाड़ी के साइड प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आएगा दोनों ही वेरियंट में। दोस्तों, इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी की बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल से भी गाड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों वेरिएंट में, ई और ई एक्स दोनों ही वेरिएंट में। दोस्तों, इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के टॉप प्रोफाइल यानी कि गाड़ी की छत पे, दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस नज़र आएगा। जो ई मॉडल है उसमें आपको मिलता है माइक्रो रूफ एंटीना, वहीं अगर ई एक्स मॉडल की बात की जाए तो वहाँ पर आपको कंपनी अवेलेबल कराती है सार्क फिन एंटीना। दोस्तों, ये एक छोटा सा डिफरेंस अभी तक हमें पहला डिफरेंस मिला इन दोनों ही वेरिएंट में। दोस्तों, इसके बाद हम आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। दोस्तों, गाड़ी के इंटीरियर में आपको ज़रूर एक मेजर डिफरेंस मिलेगा, जो कि है गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम। दोस्तों, ई एक्स मॉडल में कंपनी आपको देती है 8.2 इंच का टच स्क्रीन, जो आपको कंपनी देती है 4 म्यूज़िक स्पीकर्स के साथ विथ 2 ट्विटर्स। वहीं ई मॉडल की हम अगर बात करें तो वहाँ पे कंपनी आपको भी किसी भी तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं करती है गाड़ी में, जो आप गाड़ी परचेज करने के बाद आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर में एक और डिफरेंस होगा, आपको फ्रंट रूफ में आपको ई एक्स मॉडल में सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ट्विन मैप लाइट्स मिल जाएंगी, जबकि ई मॉडल में वहीं कंपनी आपको ये दोनों चीज़ ऑफर नहीं करती है। पर हाँ, आप इसे आफ्टर मार्केट जरूर लगवा सकते हैं, जो जेन्युइन आपको हुंडई का आफ्टर मार्केट अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बाकी कोई भी डिफरेंसेस नहीं नज़र आए दोनों ही मॉडल्स में। बट दोस्तों, अगर बात की जाए गाड़ी के प्राइसिंग की, तो उसमें काफ़ी मेजर डिफरेंस है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर क्रेटा ई वेरिएंट की, तो दोस्तों उसकी एक्स शोरूम कीमत है 9,99,000 रुपये। वहीं अगर बात की जाए ई एक्स मॉडल की, तो दोस्तों उसकी ई एक्स शोरूम कीमत है आपकी 11,49,000 रुपये, जो तकरीबन बात की जाए इन दोनों ही मॉडल्स की ऑन रोड कीमत की, तो दोस्तों ई वेरिएंट अगर ऑन रोड आप देखेंगे तो तकरीबन वो आपको आएगी 11,40,000 रुपये की, और वहीं अगर ई एक्स की ऑन रोड कीमत की बात की जाए तो वो आएगी तकरीबन 13,40,000 रुपये की। तो दोस्तों, जब आप इसे ऑन रोड प्राइस पे कंपैरिजन करोगे, तो वो डिफरेंस जो एक्स शोरूम पे तकरीबन 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस था, वो ऑन रोड कीमत पे तकरीबन 2 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता है। दोस्तों, अगर कुल मिला के दोनों वेरिएंट के डिफरेंसेस की बात की जाए, तो मुझे मेजर 3 ही डिफरेंस नज़र आए, जो कि था आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। दोस्तों, ई एक्स मॉडल में जो आपको 8.2 इंचेस का कंपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम दे देती है, जो कि ई वेरिएंट में आपको कंपनी से फिटेड नहीं मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको ई एक्स मॉडल के टॉप रूफ पे जो सार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जो कि आपको ई वेरिएंट में कंपनी नहीं देती है।
इसके अलावा जो आपको EX मॉडल में फ्रंट रूफ में आपको सनग्लास होल्डर और ट्विन मैप लाइट्स जो मिल जाती हैं, वो आपको ई वेरिएंट में कंपनी ऑफर नहीं करती है। इसके अलावा अगर कोई भी डिफरेंस आप पूछो तो मुझे दोनों ही वेरिएंट में नज़र नहीं आया। दोस्तों अब डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन सी वेरिएंट होगी बेहतर। क्रेटा की ई वेरिएंट आपको लेना अच्छा होगा या फिर आप EX के साथ जाना चाहते हो? दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इससे जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर पूछिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।